आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल, 5 सालों में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवकों के लिए क्या किया। पित्रोदा के बाद मणिशंकर ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल, पीएम मोदी को नीच बताने वाले बयान को ठहराया सही। काशी के लोगों से बतियाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुरातन पुनीत परिमल काशी, अडिग अप्रतिम अविरल काशी। बीजेपी नेता शिवराज सिंह का दिग्विजय पर तंज, दिग्विजय इतने घबराए कि वो वोट करने तक नहीं गए। और मध्य प्रदेश में परेशान है अन्नदाता किसान, अब गेहूं तोलने के नाम पर किसान का शोषण। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में आखिरी दौर में मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ और 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो यहां हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मालवा के मिशन पर आए, उनकी उज्जैन और नीमच में रैली हुई। यहाँ की सभा में राहुल गांधी ने फिर से मंदसौर गोलीकांड का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यहाँ किसानों पर गोली चलाई गई, बेरोजगार परेशान हैं। पिछले 45 साल में ये ऐसा दौर है जब सबसे ज्यादा बेरोजगार। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी, आपने आम खाना सिखा दिया, आपने कुर्ता काटना सिखा दिया, अब आप देश को ये बता दीजिए कि आपने 5 सालों में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवकों के लिए क्या किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने घोषणा पत्र में लिख दिया है, मंदसौर, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने के लिए 2019 के चुनाव के बाद जेल में नहीं डाला जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहा 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, कहा किसानों को सही दाम दूंगा, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ 56 इंच वाली छाती वाला प्रधानमंत्री लड़ेगा। 5 साल हो गए। अब मेरा सा छोटा सा सवाल, मैं प्रधानमंत्री के इंटरव्यू देख रहा हूं, उसमें वो रोजगार की बात नहीं कर रहे, 15 लाख की बात नहीं कर रहे, किसानों की बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे। पिछले इंटरव्यू में कहते हैं मैं आम इस तरीके से खाता हूं, मैं आम पेड़ पे चढ़कर पेड़ से आम को लेकर फिर खाता हूं। फिर कहते हैं मैंने अपना कुर्ता यहां से काट दिया, मेरा पहले लो पकौड़े बनाओ। एयरफोर्स के जनरल्स के साथ बैठ के कहते हैं जब बालाकोट पे आक्रमण करोगे भ्रष्टाचार का, काले धन वाला, किसानों की जो मदद करने की बात की थी, सही दाम दिलवाने की जो बात की थी, उसके बारे में आपने क्या किया? कुछ नहीं। आजकल भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी इंटरव्यू में कागज पकड़ के पढ़ के जवाब देते हैं, उनके पूरे के पूरे जवाब मिल जाते हैं उनको पहले ही। पत्रकार कहते हैं मोदी जी बेरोजगारी की बात मत कर देना, मोदी जी गलती से भी भ्रष्टाचार मत बोल देना, उधर चौकीदार चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर बोल रहे हैं, सब लोग फंस जाएंगे। राहुल गांधी ने किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने की बात भी दोहराई।
उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब दो बजट पेश होंगे। किसानों के लिए पहले बजट पेश होगा, साल की शुरुआत में किसानों को बता दिया जाएगा कि इतना पैसा आपके लिए दिया जाएगा, आपके लिए कितना समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा इसकी जानकारी दी जाएगी, मौसम की मार से होने वाले नुकसान के लिए कितना मुआवजा मिलेगा ये पहले ही बता दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में व्यापार शुरू करने के लिए एक बात लिखी है, बिना मंजूरी के युवा अपना व्यापार शुरू कर सकेगा, 3 साल बाद सरकार से मंजूरी लेना होगी, 10 लाख युवाओं को पंचायत में नौकरी देंगे। राहुल गांधी ने पुलवामा में शहीद की बात करते हुए पीएम को घेरा, उन्होंने कहा कि पुलवामा में सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए लेकिन पीएम मोदी ने नीमा चाकर उनकी बात नहीं सुनी, हमने पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि हम शहीद होते हैं लेकिन हमें शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को 2019 के चुनाव के बाद शहीद का दर्जा मिलेगा। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की नज़र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीच हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे उनका निजी विचार बताया है। इधर बीजेपी ने मुद्दे को लपकते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को घेर लिया। अय्यर ने पीएम मोदी पर अपनी शिक्षा को लेकर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। अय्यर यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी को देशद्रोही और गंदी जुबान वाले प्रधानमंत्री तक कह दिया। इससे पहले सैम पित्रोदा ने 84 के सिख दंगों को लेकर कहा था, जो हुआ सो हुआ। इसके बाद पार्टी बचाव की मुद्रा में आई और राहुल गांधी ने सैम पित्रोदा के बयान की सार्वजनिक निंदा की। इसके बाद मणिशंकर अय्यर के इस बयान ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी। हाल ही में छपे एक लेख में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल की रैलियों के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि याद है 2017 में मैंने मोदी को क्या कहा था, क्या मैंने सही भविष्यवाणी नहीं की थी। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस स्थिति को कैसे संभालती है। गुजरात चुनाव के समय मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, तत्काल राहुल गांधी ने कार्रवाई करते हुए मणिशंकर अय्यर को पार्टी से निलंबित कर दिया था। तब अय्यर ने सफाई देते हुए कहा था कि उनकी हिंदी कमजोर है, उन्होंने अंग्रेजी के लो शब्द का इस्तेमाल नीच के लिए किया। तब भी अय्यर ने इस बयान की वजह से कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा था। साल 2014 के चुनाव में मणिशंकर अय्यर ही नरेंद्र मोदी के लिए चाय वाला शब्द लेकर आए थे। अय्यर के इस बयान को पीएम मोदी ने चुनावी अभियान का हिस्सा बना लिया था। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में रविवार 19 मई को प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में भी मतदान होना है। हालांकि पीएम मोदी पहले ही काशी में नामांकन के दौरान रोड शो कर चुके हैं, वहीं अपने चुनाव प्रचार का समापन भी वाराणसी से ही वे कर सकते हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काशी के लोगों से बात की। अपनी इस बातचीत में मोदी ने काशी के लोगों से भावुक अपील करते हुए खुद को काशीवासी बताया, साथ ही काशी से मिले प्रेम को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान काशी को लेकर लिखी 4 लाइनें भी सुनाई। मोदी ने कहा कि जब मैंने काशी पर लिखने के लिए अपनी कलम उठाई तो कुछ ही शब्द लिख पाया। मोदी ने कहा कि जो भी काशी की तपोभूमि में आया वो यहीं का होकर रह गया। बीते 5 वर्षों में मैंने भी प्रतिपल इसका अनुभव किया है। मेरे राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन को दिशा देने में, मुझे गढ़ने में काशी का बहुत बड़ा योगदान है। काशी मेरे लिए सिर्फ 2 अक्षर नहीं बल्कि मेरे रोम रोम में बसे आध्यात्म, धर्म और संस्कृति की एक अवितरण प्रेरणा है। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे एक सेवक के रूप में काशी की पवित्र भूमि पर काम करने का अवसर दिया। मोदी ने आगे कहा कि जिस काशी पर बाबा विश्वनाथ मोहित हों उसे किसी और की क्या आवश्यकता, पर मेरा जीवन काशी और काशीवासियों के कुछ काम आ सका, इसका मुझे संतोष है। देश के दिल से दिल्ली तक।
कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के वोट न डालने पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि दिग्विजय गजब कर रहे हैं। दिग्विजय इतने घबराए हुए हैं कि वो वोट करने तक नहीं गए। जो व्यक्ति 10 साल तक सीएम रहा हो और वोट ना डाले तो लोकतंत्र के प्रति उनकी भावना को समझा जा सकता है। शिवराज ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिग्विजय भोपाल में पोलिंग बूथ घूमते रहे लेकिन वोट डालने नहीं गए। मतदान करना हमारा परम कर्तव्य है दिग्विजय सिंह। उनके गृह क्षेत्र राघवगढ़ जाकर मतदान नहीं कर सके, जिसके बाद उन्होंने नागरिकों से क्षमा याचना भी की। जो व्यक्ति 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, हम सबको कह रहे हैं वोट डालिए वोट डालिए वोट डालिए, वो खुद वोट डालने नहीं जा रहे। लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव, सबको प्रेरित कर रहे हैं खुद ही वोट ना डालें। ये तो भारतीय लोकतंत्र का मजाक है, क्रूर मजाक। आप इतने घबरा गए और इतने स्वार्थी हो गए कि बस केवल मेरे लिए पोलिंग घूम। क्या कमलनाथ जी के प्रशासन पे आपको विश्वास नहीं था? क्या आपके उम्मीदवार जो वहाँ खड़ी थी उसको आपको नहीं जिताना था? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दिग्विजय जी आपको जवाब देना पड़ेगा। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। इंदौर में दोनों ही दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी अपना गढ़ बचाने के लिए लगातार अपने दिग्गज नेताओं को इंदौर पहुंचा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इंदौर बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी के पक्ष में जैन समाज के लोगों की सभा ली। इस दौरान लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी मौजूद रहे। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कहा कि गुजरात में जैन समाज के सिर्फ 7% वोट हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है और इसके ही कारण कि जो जैन समाज एक छोटा समाज होता है गुजरात में, वैसे 6-7% जैन समाज होंगे, यानी कि छोटा समाज फिर भी जैन समाज में से मुझे मुख्यमंत्री बनाने का जो मौका दिया, इसी के कारण ये संभव हुआ।
रूपानी ने कहा, इस बार के लोकसभा चुनाव हर बार से अलग है। इस चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि भारत विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनता है या नहीं। आज देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधान सेवक की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, बाहर चोरों की टोली देश को लूटने बैठी है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। सामान्य जीवन शैली के कारण स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अंबिकापुर में बन रही रिंग रोड के धीमे चल रहे कार्य और आम लोगों को हो रही परेशानी की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए टीएस सिंहदेव इस सड़क का निरीक्षण करने स्कूटर से ही निकल पड़े। सिंहदेव ने कहा कि आम आदमी की समस्याओं को समझने के लिए आम आदमी की ही तरह देखना समझना होगा। एसी कार में बैठकर आम आदमी की समस्याओं को ना तो समझा जा सकता है और ना ही उसका निराकरण किया जा सकता है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। पहले इंदिरा, फिर सोनिया और अब प्रियंका। हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले 2018 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी खुद बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। तीन पीढ़ियां जब भी महाकाल नगरी आई तो सभी ने बाबा महाकाल का अभिषेक कर आशीर्वाद मांगा। लोकसभा चुनाव का सातवां और आखिरी चरण बचा है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम और इंदौर संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं। सोमवार को प्रियंका हवाई जहाज से इंदौर और फिर वहां से हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंची। साथ में मुख्यमंत्री कमलनाथ भी थे। प्रियंका वाड्रा ने मंदिर के गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर का दूध, पंचामृत और अबीर गुलाल से अभिषेक किया। इस दौरान गर्भगृह में मुख्यमंत्री कमलनाथ और वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी भी मौजूद थे। तीनों आला नेता करीब आधे घंटे तक गर्भगृह में रुके और अनुष्ठान किया। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अनुष्ठान करने वाले पुजारी का शॉल भेंट कर सम्मान भी किया। आपको बता दें, प्रियंका इस चुनाव के दौरान पहली बार मध्य प्रदेश आई है। प्रदेश में 19 मई को आखिरी चरण में इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, देवास, धार और रतलाम में चुनाव शेष है। मध्य प्रदेश की इन 8 सीटों में से कई पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा प्रभाव माना जाता है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। का
कमलनाथ सरकार किसानों के हित में चाहे जितने दावे कर रही हो, पर सच यही है कि अन्नदाताओं के साथ शोषण के मामले कम होने के बजाय और बढ़ गए हैं। छतरपुर जिले में गेहूं खरीदी केंद्र में लगातार किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसानों से गेहूं तुलाई के नाम पर मोटी रकम वसूलने के साथ ही अतिरिक्त गेहूं लिया जा रहा है। किसानों को मना करने पर गेहूं ना खरीदने की धमकी दी जा रही है। छतरपुर में गेहूं खरीदी केंद्र में तुलाई के नाम पर मनमाना रुपए वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गेहूं तुलाई के नाम पर 2 किलो अतिरिक्त गेहूं किसानों से लिया जा रहा है। यदि किसानों से मन माफिक सुविधा शुल्क नहीं दिया जाता है तो उनका गेहूं खरीदा तक नहीं जा रहा। खरीदी केंद्र पर इस तरह की मनमानी से किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों के साथ हो रही इस मनमानी की हद इस कदर है कि छतरपुर के हरपालपुर वेयर हाउस के बाहर 20 ट्रक गेहूं लेने से मना कर दिया गया और पूछने पर कारण मानक स्तर का गेहूं नहीं होना बताया जा रहा है। परेशान ट्रक चालक 3 दिन से खड़े हैं लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। लखेरी सोसाइटी में जो हो रहा है कि यहाँ पे 2 किलो जो कोई दे रहा है उसका तुला है, जो कोई 2 किलो नहीं देता है उसका बिल्कुल ही तुलते हैं, मना कर देते, बोले ले जाओ हमारी जी तुली तुलाई बोरी, बोले वापस ले जाओ नहीं तो 2 किलो लगना है। यहाँ के जिसका जेल अपड़ाए कि हम जब तुलाई करने के गए हैं तो जे बोले हमसे कि तुम अपना हमें 2 किलो दो, हमने की नहीं देंगे। इसके बाद इनका फोन गया, बोले तुम्हारी बोरी कम है, ले जाओ बोरी, हमको नहीं चाहिए जी। किसानों के साथ जो होता है कि 2 किलो जो कोई देता है उसका तुलता, नहीं देता है तो डरेगा। अब जे मनमानी चल रही है इनकी, समिति प्रबंधक है जो, वो अब मनमानी कर रहा है अपनी, रात में तुलाई करता है, दिन में तुलाई नहीं करता है, किसी को बोरी नहीं देगा दिन के। सैंपल फिल बता रहे हैं गाड़ी के, सैंपल खराब मतलब कचरा है माल में, धूल है, मिट्टी है, इसलिए सैंपल छतरपुर से ले आए। सैंपल फेल है तो वो वापस ले जाना पड़ेगा, और कम से कम 20 गाड़ी का फेल हो गया, 4 गाड़ी पास हुई, 4 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, खाना पीना यहाँ पे कुछ है नहीं है, ना नहाने धोने को लिए, ना पानी है, व्यवस्था कुछ है नहीं। वहीं जब इस बारे में जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। बीजेपी नेता किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि जिस कांग्रेस ने किसानों के नाम पर सरकार बनाई उसी सरकार में अधिकारी और नेता मिलकर किसानों को लूटने में लगे हैं। अधिकारियों के इस मनमाने रवैये से किसान परेशान हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस कभी किसानों की पार्टी नहीं रही। किसानों को चुनाव के वक्त लालच दे के, झूठ बोल के, वोट लेके सरकार बना के जो धोखा किया है उससे किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। किसान के साथ इस समय जो भी लूट खसोट मची है वो बड़ी चिंता का विषय है। आपका एक एक खरीद केंद्र पे किसानों से खरीद में तौल में ज़्यादा अनाज लिया जा रहा है, आपको उसके बोरे की सिलवाई उलवाई के नाम से पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। यदि वो देने तैयार नहीं, वो कहता किस नियम से आप ले रहे हो, आपको सरकार इसके सबका पैसा दे रही है, तो उसके गल्ले में गेहूं में कोई कमी निकाल के उसको वापस कर रहे हैं। इस तरह लूट खसोट मचा के ये सब कर रहे हैं और इसमें कांग्रेस के सारे जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। भोपाल से मंडला जा रहे तेज रफ्तार बस जैसे ही दुकान में घुसी वहां अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और बस के नीचे दबे 2 शवों को बाहर निकाला, लेकिन तीसरे मृत युवक के शव को सुबह ही बाहर निकाला जा सका। जिस जगह ये हादसा हुआ है वो NH 12 पर आता है, यहाँ पहले से ही सड़क निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे में सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ऐसे ही एक गड्ढे में बस का पहिया आया और तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक झोपड़ी नुमा दुकान में जा घुसी। उस वक्त कुछ लोग वहां बैठे थे और सभी बस की चपेट में आ गए। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस।
राजेंद्र नगर पुलिस के अनुसार हादसा तेजपुर मेन रोड पर हुआ। टीआई सुनील शर्मा ने बताया कि सड़क किनारे अवंतिका गैस पाइपलाइन को सुधारा जा रहा था। पाइप में छेद हो जाने से इलाके में गैस फैल गई। अचानक गड्ढे से चिंगारी निकली और आग लग गई। इसी दौरान वहां से गुजर रहे बाइक सवार अफसर और वर्षा आग की चपेट में आ गए। दोनों जान बचाने के लिए गाड़ी छोड़कर कूद गए। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने दोनों की आग बुझाई और ऑटो के जरिए अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। घटना के घंटों बाद तक पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिली। वर्षा ने बताया है कि वह उसकी सहेली की शादी का कार्ड देने के लिए अफसर के साथ बाइक पर बैठकर मेन रोड तक गई थी। अचानक आग की लपटें उनके पास आ गई। दोनों कुछ समझ पाते इसके पहले बाइक में आग लग गई। दोनों संभल पाते और बाइक से उतरते इसके पहले दोनों आग की चपेट में आ गए थे। पुलिस को डॉक्टर ने बताया कि आग की चपेट में आने से युवक युवती करीब 15% जले हैं। प्रत्यक्षदर्शी सुरेश लोखंडे ने बताया कि घटना के बाद खुदाई का काम कर रहे कर्मचारी मौके से भाग गए और सूचना देने के आधे घंटे बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि जिला अस्पताल में कविता नाम की महिला बीमार है, जिसे ब्लड की अत्यंत आवश्यकता है। ब्लड ग्रुप समान होने के चलते कलेक्टर खुद अस्पताल पहुंच गई और महिला को ब्लड दिया। अब तक सबसे मतदान की अपील करने वाली कलेक्टर ने अब रक्तदान कर आमजन से भी रक्तदान करने की अपील की है। मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए और ऐसे भी मुझे इसमें बेसिकली 3 चीज़ें थी। मुझे लगा रक्तदान देने से एक तो मैं किसी की मदद भी कर पाऊँगी और दूसरा मेरा जो ब्लड है वो वापस से रिसाइकल होगा, फ्रेश ब्लड जनरेट होगा बॉडी में, मुझे और हेल्दी बनाएगा। और साथ ही कल हमने मतदान किया था तो इसकी ये उंगली थी और आज हमने रक्तदान किया है तो इसका ये बाजू। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। धार जिले से इंदौर में पढ़ाई करने आए युवक ने पढ़ाई के तनाव में आकर ट्रेन के सामने खुदकशी कर ली। मृतक सौरभ जानी बीएससी की पढ़ाई पूरी कर एक्सरसाइज अधिकारी बनने को लेकर तैयारी कर रहा था, लेकिन अंग्रेजी विषय में कमजोर होने के चलते वह तनाव में था, जिससे उसे पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। पढ़ता था क्या पढ़ाई? बीएससी का था। तो इनकम टैक्स पढ़ाई? हाँ इनकम टैक्स। कोई इंग्लिश इंग्लिश की बात आई? हाँ इंग्लिश को टफ पड़ती थी तो उसमें थोड़ा सा वो डिप्रेशन में था, नंबर कम थे। टेस्ट लिया हुआ था उसका कोचिंग। अच्छा, तो इंग्लिश में कमजोर पड़ा? हाँ इंग्लिश में कमजोर। तो थोड़ा सा सोच विचार तनाव का कि नंबर कम क्यों आ रहे थे, मेहनत कर रहा हूँ। कहाँ थे? ये इंदौर से। क्या तो साइड कहाँ करें? तो ट्रेन के सामने? हाँ ट्रेन के सामने। कल शाम की घटना है, कल 4:30 5 के बीच की बात है। थे सब
छः से साढ़े छः के बीच की बात है। एक लड़का करीब 22 साल का था जो ट्रेन के सामने आ गया था, उससे घायल होने से उसको एम्बुलेंस भर्ती किया था, रात में दौरान इलाज भी भर्ती हुआ। उसका नाम बाद में मालूम करते मालूम पड़ा सौरभ पिता उज्ज्वल जानी। अभी इसके पेरेंट्स से बातचीत करते हुए मालूम पड़ा है कि वो डिप्रेशन में चल रहा था, पढ़ाई तो कई बार एग्जाम दे चुका था, क्वालिफाई नहीं हुआ, जैसे डिप्रेशन दिनों से चल रहा था। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। शोभा यात्रा में शामिल महिलाएं कलश लेकर आयोजन स्थल से निकलकर बिहार घाट पहुंची, जहां कलश में जल भरकर पुनः कथा स्थल पर आईं। इसके बाद पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापित करवाए। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल बैंड बाजों की धुन पर युवा जमकर थिरके, श्रद्धालुओं के जय श्री राम के जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। आयोजन कमेटी के लोगों ने बताया कि महाराज जी के द्वारा नवीन मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की जाएगी, साथ ही नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया जाएगा। अनुष्ठान स्थल पर कथा 16 मई तक चलेगी। जाति समाज और निस्वार्थ भाव से हमारे महाराज संकादिक जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें समाज की शांति के लिए और साधु संत के सम्मान के लिए, ब्राह्मणों के सम्मान के लिए कार्यक्रम किया गया। राम जी की इच्छा से ये जो नवनिर्मित भवन है इसका उद्घाटन है, इसका उद्घाटन राम जी की इच्छा से संतों की परंपरा के हिसाब से उद्घाटन है इसका। प्रथम दिन इसमें राम नाम संकीर्तन होगा, दूसरे दिन यहाँ सिंधु प्रतिष्ठा होगी, तीसरे दिन राम जी की इच्छा से यहाँ रामार्चा होगा और दूर दूर से यहाँ संत महात्मा रामार्चा है। यहाँ यज्ञ है तो यज्ञ में जो है महन जी सबको बुला लेती है, निमंत्रण दे के यज्ञ जो है तो करते रहते हैं, और जो इनके जो सब कर रहे हैं वो सब चेला चपाटी, तो वो चेला जो है गुरु जी को बुला लेते हैं, तो गुरु जी हम सबको बुला के इकट्ठा करके और जो यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, रामर्चा होगा, यज्ञ होगा। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। नमस्कार, वैन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूं। मैं हूं जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, भोपाल में चुनाव हो गया है, 65.65% वोटिंग हुई है, और मैं बता रहा हूं पीएच फंसता नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह ने स्कूटर पे घूम रहे थे दोपहर में अगर हेलमेट लगाए, अब मैं कह रहा हूं हेलमेट तो लगा ले, इतनी धूप पड़ रही है, बताओ ये चटक जाए खोपड़िया। ओए इस बार तो इलेक्शन गजब का हो रहा है। ओ भैया ये तो वोट डालने नहीं गए राजगढ़ में, अरे दूसरों को पाठ पढ़ाती हैं लोकतंत्र का, भैया वोट डालने तो जाओ, और मोदी जी को मौका मिल गया है मजे लेने का, बता रही हूँ मजे ले रहे हैं इनके अब लपक के। और इस बार इलेक्शन में पीठासीन अधिकारी तो ये थे, ग्लैमरस वाले आए हैं, उनकी फोटो में छप रही हैं गोगल लगा लगा के, और मैं कह रहा हूँ ऐसे पीठासीन अधिकारी आने लगे तो हर आदमी कहेगा इलेक्शन में ड्यूटी लगाओ, और हर आदमी वोट डालने भी जाएगा, बता रही हूँ। ये इनको इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छा सुझाव दे रहा हूँ मैं, ऐसे पीठासीन अधिकारी बनवाओ ताकि इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए। और ये देख लो, ये खबर देख लो, और मायावती और मोदी जी और इनका ये खूब चल रहा है धमाका, एक दूसरे से अटैक चल रहा है, और ममता बनर्जी भी इनका भी खूब चल रहा है आपस में, और मैं बता रहा हूँ अभी ये एक दूसरे पे आक्षेप लगा रहे हैं, इलेक्शन के बाद कोई पता नहीं ये मायावती इनको सपोर्ट देने आ जाए मोदी, कोई प्रेम बढ़ जाए भाई इलेक्शन के बाद, कोई कुछ नहीं कह सकते। और ये देखो, ये सेम पित्रोदा, ये क्या करें, 1984 में जो दंगे हुए थे, हुआ तो हुआ, बताओ ये ऐसी घटना हुई थी, ऐसी दुर्घटनाएं हुई थी उस समय, लोग मारे गए तो इनको मजाक सूझ रहा है, जैसे लोगों को रखती है, क्यों मैं बता रहा हूँ। और ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लो उनकी, ये कर लो वो कर लो, अरे ये ऐसी बयान कैसे दे जाते हैं ये लोग, बताओ ये कितनी शर्म की बात है। और प्रियंका गांधी भैया महाकाल के दर्शन करने पहुँची, पहली बार इनको महाकाल की याद आ रही चुनाव के टाइम, और फिर वहाँ से निकलते ही वही फिर शुरू, और राफेल पे मोदी को लेकर शुरू हो गई, ये बादल छटे थे तो मोदी जी सोच रहे थे कुछ दिखा नहीं, और फिर राडार पे आ गए मोदी, बताओ ऐसी ऐसी बातें कर दी है, अरे पूजा पाठ करके आओ, कुछ अच्छी बातें करो, ये तो चल रहा है। और ये सिद्धू देख लो,
सिद्धू इनका अभी दिमाग भन बना रही है बताने, ये गर्मी है ना चढ़ रही है इनके दिमाग में, जब से कपिल शर्मा का शो से हटाया गया इनको, इनका दिमाग चटक गया है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, देशद्रोही मोदी और ये और वो, अभी ये कार्यकर्ता को रैप्टा चढ़ दिया इनने, बताओ अभी इनको मैं बता रहा हूँ घर में बिठाओ, इनका दिमाग चटका हुआ है बता रही हूँ। हाँ और ये देखो कमल हसन, ये भी कुछ भी बोले जा रहे हैं, बोले आतंकवाद पहला हिंदू आतंकवादी था वो गॉड से वर्ड, ये क्या भाषा है बता रही हूँ मैं, कुछ सोचो दिमाग करो, तो मैं स्क्रिप्ट लिख के दे दी इनको और वही पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये फिल्म वाले हैं इनको समझ में आती नहीं है इसका असर क्या होगा। अब मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स करना है तो ढंग से करो, कुछ विकास की बातें करो, कुछ जनता के भले की बातें करो, ये फालतू बातों में कुछ रखा नहीं है, गड़े मुर्दे उखाड़ने में कुछ नहीं मिलेगा बता रही हूँ। और एक देखो ये रायपुर में जंगलों में पानी की कितनी समस्या हो रही है जंगली जानवर को, मैं कह रहा हूँ पेड़ लगाओ जंगल बढ़ाओ, और उनको पानी नहीं मिल रहा, वो 84 किलोमीटर अंदर तक पानी पहुँचाना पड़ रहा है शहर वालों को बता रही, ये हालत हो गई है। तो भैया ये गर्मी बहुत पड़ रही है, मेरे को भी बहुत प्यास लग रही है, मैं भी पानी पीने जा रहा हूँ, नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।